ऊष्मा के स्थानांतरण के प्रकार ऊष्मा का बहाव एक निश्चित दिशा में होता है यानी ज्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की तरफ होता है जैसे पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा के स्थानांतरण के तीन प्रकार हैं ये प्रकार हैं चालन संवहन और विकिरण